हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जुनैद अल अतूर द परफ्यूम शॉप। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है जुनैद अल अतूर के फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, जहाँ पे हम फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बातें करते, शेयर करते, अपना फ्रेग्रेंस से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टेड टॉपिक होता है उस पर हम बात करते हैं। तो शाम के 5 बजे के करीब है, सोचा ये टाइम पर आता हूँ, बात करता हूँ आज आप लोगों से। तो कुलदीप भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ मैं भाई, आप कैसे? बता। वाजिद भाई, कैसे हो? तो हमारे साथ सबको जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ बातें, कुछ फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बातें, कुछ नए परफ्यूम जो ये समर में हर कोई चाहता है। मेरा परफ्यूम सबसे ज़्यादा अच्छा हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले। तो कौन कौन है यहाँ पे जो आ गया हमारे साथ तैयार? और नीरू सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। तो हम सब जो भी लाइव वीडियो में जुड़े हैं और इसके बाद जो जुड़ेंगे, तो आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग से सब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कौन कौन है लाइव वीडियो में सेशन में जो चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ मेरा परफ्यूम बोले मेरे बारे में? कौन कौन है? अगर यस है, कौन कौन चाहता है? अगर कोई बुरा है तो आई से रिप्लाई करो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका परफ्यूम, आप जहाँ जाओ आपका परफ्यूम डिफाइन करे, आपका परफ्यूम बोले आपके बारे में, तो कौन कौन चाहता है? रिप्लाई विथ आई, कि आप लोग में से कौन कौन चाहता है। कुलदीप भाई बोल रहे हैं आई, मी, यस। नीरू भाई बोल रहे हैं मी। तो हर कोई चाहता है कि मैं जहां जाओ, कुलदीप भाई बोल रहे यस, सबके रिप्लाई आया है कि मैं चाहता हूं कि मैं जहां जाऊं मेरा परफ्यूम मेरे बारे में बोले कि क्या चीज है वो। तो हर कोई चाहता है कि हम जहां जाए मेरा परफ्यूम मेरी पहचान हो। लेकिन हर सब चीज़, जैसे आकाश भाई बोल रहे हमको, यस, हर कोई चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ मेरा परफ्यूम्स मेरे बारे में बोले, मेरा परफ्यूम के बारे, मेरी परफ्यूम, मेरा परफ्यूम जो हो, मेरी चॉइस जो, मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन हो। मेरे वर्किंग एरिया में जितने लोग हैं सब मुझसे पूछे कि भाई लगाए क्या है। हर कोई चाहता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। कौन कौन है जो चाहता है कि आप जहाँ जहाँ आपके वर्किंग एरिया में, शॉप में हो, एक ऑफिस में हो, या आपके जो भी काम करने का जगह है, जहाँ जहाँ जाओ आपको लोग पूछे कि भाई परफ्यूम कौन सा लगा है? या सब कोई चाहते हैं ना कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझसे पूछे कि कौन सा परफ्यूम लगा है। तो लेकिन होता क्या है, समर में सबके परफ्यूम हो जाते हैं फेल। समर में एक प्रॉब्लम होती है परफ्यूम्स के साथ, जो टिकते नहीं है। हर सब लोग चाहते हैं, या सही आंसर दिया आपने, सही बता रहे हो कि सब चाहते हैं कि मेरा परफ्यूम मेरी आइडेंटिटी हो, दूसरा मेरा परफ्यूम लास्ट करे, लास्ट लॉन्ग हो, और कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते ना, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं लगती। अगर 100 रुपये की चीज़ ली और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो वो चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर मैंने 1000 रुपये की चीज़ ली, अगर कोई पूछा नहीं ना, तो दिल में ऐसा लगता है यार सही में अच्छा होगा क्या ये परफ्यूम, पता नहीं, मज़ा नहीं आया। ये सबकी है एक चीज़ कॉमन सी, ये चीज़ होती है। तो आपके सामने मैं कुछ परफ्यूम्स की आज बात करूँगा जो समर के लिए बेस्ट हो, और समर और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है ना, ये सीज़न में लगाने के लिए कौन से परफ्यूम जो अच्छे हो, कुछ यूनिक भी हो। साथ में अभी जो मैं परफ्यूम बताऊँगा, जब एकदम मिड समर में ये परफ्यूम, कुछ परफ्यूम जो रहेंगे वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे, और कुछ परफ्यूम ऐसे हैं जो आप समर, अभी जैसे विंटर ख़त्म होने आ गया ज़्यादा बहुत सी जगहों पे, उसके बाद आपको समर में ये यूज़ नहीं आएगी परफ्यूम। तो चलिए विंटर को अलविदा करने से पहले कुछ परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, जो ऐसे परफ्यूम्स हैं जो समर में लगाने पे काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना कभी कभी हम क्या होता है, एकदम स्ट्रांग परफ्यूम लगा लेते ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाते, मतलब एकदम अजीब से घबराहट जैसा होता है बहुत से लोगों को। तो वैसे परफ्यूम समर में ही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाय बाय विंटर बोलने से पहले मैं आपको ये एक परफ्यूम बताऊँगा, ये विंटर को बाय बाय करता है। जिस तरह से ये कलर है, कलर काफ़ी क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप लोगों का कैसा लग रहा है कलर? आप लोगों का चैट बॉक्स जो है ना वो चलते रहना चाहिए, तो ऐसा लगता है हाँ आप लोग सुन रहे हो। यस, ये चलते रहना चाहिए, चैट बॉक्स आपका चलते रहेगा ना तो ऐसा लगेगा हाँ आप लोग सुन रहे हो। तो जिस तरह से ये
तो जिस तरह से आकाश भाई बोल रहे हैं ऊद सैफरन, यस ये ऊद सैफरन नहीं है, ये एक यस मस्त है कलर इसका, ये एक हमने एक प्योरली ऊद टाइप का नाम दिया जबकि इसमें कोई ओरिजिनल वाली ऊद नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऐसी ना बाय बाय विंटर करती है, ये खुशबू आपको एक कड़वे ऊद की फ्रेग्रेंस देगी जो एकदम यूनिक है। ये सिर्फ आप विंटर में इस्तेमाल कर सकते हो, विंटर में एक अच्छा परफॉर्म करेगा और लगाने में मज़ा भी आएगा। समर में होता क्या है, समर में अगर आप ये परफ्यूम को लगाओगे दिन में तो ऐसा लगेगा यार बहुत घबराहट हो रही है, ज़्यादा स्ट्रांग समर में नहीं चलते हैं परफ्यूम। तो ये ऐसा परफ्यूम है ना कि अगर आप विंटर में लगाते हो या फिर समर के स्टार्टिंग में आप एक महीने तक लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म होगा और अच्छी फ्रेग्रेंस भी है। ये 850 रुपीस की बॉटल ऑफर में है। ये इसके अंदर एक कड़वा ऊद जो होता है एक टिपिकल, और उस ऊद के साथ थोड़ा सा समझो कि भपके वाला यानी जो डेग होती है, थोड़ा सा स्मोकी जो नेचुरल ऊद जिस तरह से जिस प्रोसेस से बनते हैं उसमें होता क्या है, थोड़ा सा स्टीम के साथ एक भाप दी जाती है मिट्टी की अर्दी वाली फ्रेग्रेंस, इसमें आपको वो वाली फ्रेग्रेंस मिलेगी। अच्छे रेट्स में अच्छी डील्स है, विंटर बाय बाय हो रहा है इसलिए ये रेट में है। 850 रुपीज़ में 50 ml का परफ्यूम, इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये परफ्यूम लास्ट भी रहेगा, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन भी अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए ये समर में नहीं चलेगा। आप ये लगा सकते हो इवनिंग में या फिर अभी जिस तरह से ठंडा मौसम है तब लगा सकते हो। तो ये था विंटर को बाय बाय करने वाला परफ्यूम। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मुखल्लत अल शम्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपका बजट, जैसे मेरे से पूछे कोई कि भाई मेरा 5,000 रुपये का बजट है परफ्यूम में और मैं कुछ अरबिक टाइप के परफ्यूम लेना चाहता हूँ, तो मेरा सजेशन होगा आँख बंद करके ये मुखल्लत अल शम्स। ये 50 ml की कैपेसिटी में आता है, इसकी जो लास्टिंग है और प्रोजेक्शन है एक अल्टीमेट एक अरब वाली फीलिंग, ऐसा लगेगा जाके सीधा आप दुबई में पहुँच गए और वो अरबों के बीच में हो, और वो जो फीलिंग आती है ना जो फ्रेग्रेंस, जो कोई दुबई में गया वहाँ के मॉल्स में हर जगह पे एक स्वीट वुडी इंसेंस, हर जगह पे एक बखूर जलते रहते हैं, लकड़ी जो बोलते हैं उत्सिक ये वो चलती रहती है। तो ये आपको सीधा याद दिलाएगी वहाँ की। इसके अंदर आपको रोज़ का भी अच्छा मिल जाता है टेस्ट। इसका नाम है मुखल्लत अल शम्स, ये अजमल कंपनी का है। इसकी जो लास्टिंग है आपको इजीली मोर देन 8 आवर तक मिल जाएगी इसकी लास्टिंग। ये है कुछ इस तरह की स्प्रे बॉटल में, इसकी जो बॉटल है इस तरह की कुछ कैप है, और इसकी जो नोट्स है ना, नोट्स बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि महंगे ऊद वाली फीलिंग। ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। अगर कोई सोच रहा है जैसा समर की स्टार्टिंग है विंटर को बाय बाय करने के लिए, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है अगर जिसका बजट अच्छा खासा है, तो ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करो। इसका नाम है मुखल्लत अल शम्स, 50 ml की कैपेसिटी में आता है, अजमल कंपनी का है, काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब 14 फेब की कौन कौन तैयारी कर रहा है वो मुझे बता लो सबसे पहले। 14 फेब को किस किस को गिफ्ट करना है, अपनी वाइफ को, जो भी है अपने चाहने वाले को, कौन कौन है जो सोच रहा है मैं 14 फेब को गिफ्ट करूँगा। लेकिन मेरा कहना ये है ज़रूरी नहीं है 14 फेब आप कभी भी गिफ्ट कर सकते हो, ये 14 फेब ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले तो जहाँ प्यार है वो हमेशा होना चाहिए। तो अगर आप अपने लव्ड वन को, यानी हो सकती है अपनी मम्मी सबसे पहले, उसके बाद आपकी सिस्टर है, उसके बाद अपनी वाइफ है, या इस तरह से आप अपने अपनी बेटी को डॉटर को देना चाहते हो या किसी को भी देना चाहते हो ना, एक अच्छा सा परफ्यूम जो यूनिक हो और अच्छी क्यूट सी बॉटल में हो, तो ये है आपके सामने। ये समर की शुरुआत करता है, ये समर को वेलकम करता है, एक ऐसा परफ्यूम जो आप समर में अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छी सी क्यूट सी बॉटल में है। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ परफ्यूम है वो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो फ्रेग्रेंस की बात करो तो मैं बता देता हूँ इसकी फ्रेग्रेंस है। जब ये आप अप्लाई करते हो तो इसके अंदर आपको एक फ्रेग्रेंस मिलेगी टैल्कम की पाउडरी वाली फीलिंग, और थोड़ा सा हल्का सा एक्वाटिक वाला टेस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ मस्की और पाउडरी वाली फ्रेग्रेंस है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो केमिकल्स जो है
अंदर जो परफ्यूम इंग्रेडिएंट यूज हुए वो काफ़ी अच्छे यूज हुए हैं, इसलिए ये परफ्यूम बनता है काफ़ी अच्छा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ में है। 350 रुपीज़ में एक आपका खुद के लिए एक अच्छा कस्टमाइज्ड परफ्यूम है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो। लेडीज़ के लिए स्पेशल है, जेंट्स भी अप्लाई करना चाहे तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये है एक, इसका नाम मैं बता दूँ, इसका नाम है हम सफ़र, ये परफ्यूम का नाम है हम सफ़र। तो अगर कोई अपने लव्ड वन को गिफ्ट करना चाहता है एक अच्छा सा परफ्यूम 40 ml की कैपेसिटी में 350 रुपीज़ का एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये परफ्यूम बुक करवा सकते हो। लिमिटेड स्टॉक है, जिसको भी बुकिंग करवाना है वो जल्दी से अपना परफ्यूम को बुक करवा लीजिए। ये 40 ml का परफ्यूम आपको मिलता है 350 रुपीज़ में एक अच्छी सी खूबसूरत सी बॉटल के साथ। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो है वो है समर का। समर में कौन कौन चाहता है कि आपका जो परफ्यूम्स है वो आपके बारे में बोले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जहाँ जाओ आपका परफ्यूम आपके बारे में बोले, आपको आपकी जो चीज़ है आपकी जो पर्सनालिटी को डिफाइन करे, कौन सा परफ्यूम हर कोई चाहता है ना। तो आपका चैट बॉक्स चलता रहना चाहिए। यस, आपका ऑर्डर बुक होता है तो जिस जिसके ऑर्डर भी होते हैं आप लोग बुक करवा सकते हो। तो कौन कौन चाहता है कि मेरा परफ्यूम मेरे बारे में बताए, मेरी पर्सनालिटी के, मेरी आइडेंटिटी की, मेरी आइडेंटिटी को बताए, कौन कौन चाहता है? तो हर कोई चाहता है ना कि आपका परफ्यूम आपके बारे में बोले। तो मैं आपके सामने लेकर रहा हूं कुछ ऐसा परफ्यूम ऑयल जो, कौन बताएगा इसका नाम? यस, इरफान भाई भी बोल रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं मेरा परफ्यूम मेरी आइडेंटिटी हो। तो ये है आप लोगों, ये है आसिफ अतर। यस, ये है आसिफ अतर परफ्यूम ऑयल। यस, इसकी जो लास्टिंग है वो आपको मिलेगी 12 घंटे की लास्टिंग गारंटी के साथ। अगर नहीं पसंद आए आप रिटर्न कर सकते हो, पैसे वापस चाहिए पैसे वापस ले सकते हो, एक्सचेंज चाहिए एक्सचेंज हो जाएगा, जो भी चाहिए आपको हो जाएगा हमारी चीज़ों के अगर आप लेते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इसकी तारीफ की, अगर ये आपको पसंद नहीं आया आपको ये रिटर्न करना है, आपको रिटर्न का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक्सचेंज करना है एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको जुनैद लतूर में, जो आपके पैसे जो आपने हमें दिए वो आपके पैसे सेफ हो गए। तो ये है आसिफ अतर। तो हर कोई चाहता है ना कि मेरा परफ्यूम मेरे बारे में बोले, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे सब कोई पूछे कि भाई लगा क्या है। तो जिस तरह से सोहेल भाई बोल रहे हमारे, मैं चाहता हूँ मेरा परफ्यूम सबके परफ्यूम्स के परफ्यूम्स को खा जाए। यस, तो हर कोई चाहता है ना कि मेरा परफ्यूम सबके परफ्यूम्स को खा जाए। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है और इसकी जो लास्टिंग है अल्टीमेट लास्टिंग, क्या आप बोलोगे यार क्या ज़बरदस्त परफ्यूम है, ऐसा परफ्यूम मैंने आज तक नहीं देखा इतना परफ्यूम समर में। यस, ये समर में भी उतना ही लास्ट करता है, जो यहाँ पे हर परफ्यूम जहाँ से भारी परफ्यूम जहाँ पे डल पड़ जाते हैं डीम पड़ जाते हैं ये परफ्यूम वहाँ तक भी लास्ट करता है। तो अगर कोई चाहता है कुछ इस टाइप के परफ्यूम ऑयल जिस तरह से आसिफ, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार आसिफ का मतलब क्यों, आसिफ ही क्यों? तो आसिफ के पीछे भी कुछ स्टोरी है। जैसा आप अगर आसिफ का मीनिंग ऑफ आसिफ अगर आप पढ़ते हो, अगर आप नेट पे सर्च करो आसिफ मीनिंग ऑफ आसिफ, तो आसिफ का जो मतलब होता है ना वो होता है स्ट्रांग पावरफुल। तो यस, जैसा इसका नाम है वैसा इसका परफॉर्मेंस है। जब आप फर्स्ट अप्लाई करते हो आसिफ को तो आपको सीधे से ऐसा लगेगा कि आपने एक कॉमन सा जनरल फिरदौस अप्लाई किया है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है टैल्कम में, टैल्कम फ्रेश एक्वाटिक वो वाली फ्रेग्रेंस में। फिर थोड़ी देर होती है तो इसके बाद इसका जो टोन है वो चेंज होता है, क्या चेंज होता था, एक फ्लोरल स्पाइसी सिट्रस वाले फ्रेग्रेंस में। तो ये मल्टी मतलब फ्रेग्रेंस वाला अतर है। जब आप फर्स्ट स्निफ करते हो तो ऐसा लगेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जन्नतुल फिरदौस तो नहीं है, फिर लगेगा ऐसा कुछ मिक्सर तो नहीं है। फिर जैसे आप हाथ पे लगाओगे
फिर बाद में इसको रब करोगे, तो यार ये चीज जबरदस्त है। तो कौन कौन है हमारे साथ लाइव वीडियो में जिसने ये आसिफ यूज किया हो, अगर आपको इसके बारे में जानना हो कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, तो आप मेरी स्टोरीज देख सकते हो, स्टोरीज में मैंने सबके पोस्ट किया हूँ, आप लोगों के सामने शेयर किया, तो वहाँ पे आप लोग स्टोरीज जो है आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि इस अतर को कितना पसंद किया है लोगों ने। तो ये 12 ml की बॉटल में आता है, 12 ml की बॉटल आपको मिलती है 500 रुपीज में, एक अच्छा अतर, लॉन्ग लास्टिंग अतर, जहाँ पे सारे अतर फेल हो जाते हैं वहाँ पे भी, सारे परफ्यूम फेल हो जाते हैं वहाँ पे भी ये परफ्यूम लास्ट करेगा, तो आपका परफ्यूम जो रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो जिस तरह से रऊफ भाई बोल रहे हैं आज ही पार्सल मिला है आसिफ का, तो ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने नहीं ट्राई की है और आपके कलेक्शन में बहुत सारे अतर है, परफ्यूम्स है, तो ये अतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हर कोई चाहता है ना कि मेरा परफ्यूम एक लॉन्ग लास्टिंग हो, मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन करे, मैं जहां पे जाऊँ सबके परफ्यूम फेल हो जाए, जिस तरह से सोहेल भाई ने बोले उनके कमेंट में कि मेरा परफ्यूम ऐसा हो कि जहां जाओ खा जाए सारे परफ्यूम को। यस, हर कोई की फीलिंग है यही होती है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। सोहेल भाई ने सबके पब्लिक के सामने बोल दिए कि मेरा परफ्यूम ऐसा होना चाहिए कि जहां जाओ सारे के सबके सबके परफ्यूम खा जाना चाहिए। तो यस, ये ऐसा ही परफ्यूम है, परफ्यूम ऑयल वर्जन में है। अगर कोई चाहता है इसी परफ्यूम ऑयल को, बहुत से लोगों को रहता है कि भाई मुझे स्प्रे लगाने में नहीं मजा आता, तो उनके लिए ये परफ्यूम ऑयल परफ्यूम में भी बन जाएगा। तो जिस तरह से वाजिद भाई बोल रहे हैं मैंने यूज किए हैं भाई कल ही तो 3 आए हैं, तो यस, ये वाजिद भाई जिस तरह से लाइव वीडियो में है, रऊफ भाई है और काफी लोग हैं, तो जिन्होंने यूज किए हैं ये परफ्यूम ऑयल उनको पता है, जब आप फर्स्ट टाइम लगाते हो तो इसकी फ्रेग्रेंस कुछ अलग होती है, जैसा जैसा टाइम जाता है इसकी फ्रेग्रेंस चेंज होती जाती है, और इसकी लास्टिंग मोर देन 12 आवर तक इसकी फ्रेग्रेंस लास्ट करती है। ये जब आप फर्स्ट अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है, एक फ्लोरल स्पाइसी टैल्कम उस टाइप का फिरदोस वाली भी फीलिंग आ जाएगी इसके अंदर, लेकिन इसका जो ड्राई डाउन है ना वो काफ़ी अच्छा है, ड्राई डाउन इसका धमाल है। ये चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आई है और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा स्ट्रांग लगी, जैसे बहुत से लोगों को रहता है कि यार एकदम स्ट्रांग ना हो मुझे एकदम हल्की है, तो वो लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है ना आपका परफ्यूम स्ट्रांग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, खतरनाक हो, जिस तरह से सोहेल भाई ने बोले जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे सारों के परफ्यूम फेल हो जाने चाहिए, तो ये काम आपका परफ्यूम ऑयल करेगा। तो अगर आप अपने परफ्यूम ऑयल को कुछ इस तरह से लेना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है आसिफ अतर, ये जिस तरह से इसका नाम का मीनिंग है स्ट्रांग पावरफुल, ये वैसा ही परफॉर्म करता है, स्ट्रांग पावरफुल, और इसकी जो लास्टिंग है मोर देन 12 आवर। और एक ऑप्शन है, अगर आपने ये परफ्यूम ऑयल की बॉटल ली है और आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आपको लगता नहीं यार मुझे नहीं जमा, तो आप खुशी से इसको रिटर्न कर सकते हो, आपका परफ्यूम ऑयल, अगर आपको परफ्यूम के पैसे चाहिए रिटर्न हो जाएगा, एक्सचेंज कराना एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है ये परफ्यूम ऑयल को तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, एक अच्छा ऑप्शन है, 500 रुपये में सारों के परफ्यूम को धमाल मचाने का, जितने भी परफ्यूम्स हैं उन सब के परफ्यूम को जिस तरह से बोले ना सोहेल भाई ने खा जाने का। अगर आपको ये परफ्यूम 12 ml की बॉटल में चाहिए तो इसकी प्राइसिंग है 500 रुपीस प्लस शिपिंग, और ये परफ्यूम में चाहिए 50 ml की बॉटल में जैसा ये, तो ये परफ्यूम की बॉटल भी बन जाएगी, इसके अंदर आपको अच्छा परसेंटेज में मिलेगा परफ्यूम, परफ्यूम ऑयल का कंसंट्रेशन, और इसकी लास्टिंग भी अच्छी रहेगी, ये मिलता है आपको 1150 रुपीस में। अब हम बात करते हैं एक ऐसे अतर की जहाँ पे समर में काफ़ी अच्छा अतर परफॉर्म करता है, जहाँ पे बहुत से लोगों को एक चीज़ होती है मुझे लॉन्ग लास्टिंग नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों में से भी होगी कि यार मुझे अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए, मैं अपने लिए लगाता हूँ, मुझे किसी और के लिए कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने परफ्यूम को खुद एंजॉय करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आपको मिलती है सिर्फ एक ही चीज़ में, नेचुरल में। यस, नेचुरल में आपको वो चीज़ मिलेगी, नेचुरल में, नेचुरल परफ्यूम्स ऑयल जो होते हैं वो एक
उनके अंदर लास्टिंग या प्रोजेक्शन नहीं मैटर करता, वो आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं। आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है कि आपने कुछ चीज़ लगाई है, आपकी बॉडी के आजू बाजू एक बबल सा क्रिएट करता है, एक एरिया में जो आपको फील देता है कि हाँ कुछ मैंने लगाया है, कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है। वैसी फ्रेग्रेंस ही है, वो है रूखस। ये रूखस ऐसा अतर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, समर की सीज़न नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्थ और ये जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो वेस्टर्न रीजन में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा होने के साथ साथ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन टाइप होता है, बहुत से लोगों को अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको इसको अप्लाई करना अपनी बॉडी पे, आपको ये कपड़ों पे अप्लाई नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को, अच्छे खासे लोगों को देखा हूँ, नेचुरल अतर लेते हैं और उसको कपड़ों पे लगाते हैं। आपको इस तरह से नहीं लेना है, आप अपने अतर को वेस्ट कर दोगे। जब भी आप नेचुरल चीज़ें लो, एक उसका तरीका होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप फ्रीली जहाँ से खरीदते हो अतर, उनसे पूछ लिया करो कि परफ्यूम्स को, ऑयल्स को लगाना कैसे है, क्योंकि बहुत सा मैटर करता है परफ्यूम किस तरीके से लगाना है। जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं और फिर एक कंप्लेन अपने आप से करते हैं, दुकान वाले से जाके करेंगे नहीं, अगर करोगे तो वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा कहाँ पे आप गलत हो। तो एक परफ्यूम जो है, फ्रेग्रेंस जो है, एक सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। फ्रेग्रेंस के बगैर दिन निकलता नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको चलेगा नहीं फ्रेग्रेंस पे। तो हमारे साथ कौन कौन है लाइव वीडियो में जिसको फ्रेग्रेंस के बगैर चलता नहीं है, कौन है हमारे साथ लाइव वीडियो में? सबको एक अलग अलग टाइप का नशा होता है ना, तो हमारे साथ लाइव वीडियो में कौन है जो जिसको फ्रेग्रेंस का नशा है और उसके बगैर चलता नहीं है? तो हमारे साथ कौन है लाइव वीडियो में? अगर जो है ऐसा नशा है तो आई लिख कर रिप्लाई कीजिए, ताकि मैं जानना चाहूँगा आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं। तो हम रिप्लाई कर रहे हैं, मी पटेल मिहिर भाई बोल रहे हैं, मी मलिक भाई बोल रहे हैं, फहद मलिक भाई बोल रहे हैं, मी। और कौन है जिसको फ्रेग्रेंस के बगैर दिन नहीं जाने वाला है? मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ बताना एडिक्शन होता है, कुछ ना कुछ नशा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों होती है लाइफ में जिसके बगैर चलता नहीं है। तो यस, ऋषभ भाई बोल रहे हैं आई, और बहुत सारे बोल रहे हैं आई आई, हम सब, हमको नहीं चलता भाई। नितिन मिश्रा सर बोल रहे हैं हमको नहीं चलता इस चीज़ के बगैर। तो यस, पहले क्या होता था ना, लोग फ्रेग्रेंस को शादी में लगाने के लिए इस्तेमाल करते या ओकेशन में लगाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज की लाइफ में एक फ्रेग्रेंस जो है एक आपकी डेली नीड्स का एक हिस्सा बन चुकी है, आप उसके बगैर चलेगा नहीं आपको। तो बोलते ना, जिस तरह से स्वीट फ्रेग्रेंस के बिना नहीं चलता, जिस तरह से एक भाई बोल रहे हैं स्वीट फ्रेग्रेंस के बिना नहीं चलता। तो यस, फयाज मंसूरी भाई बोल रहे हैं यस मी। तो फ्रेग्रेंस जो है ना आज अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, अलग अलग फ्रेग्रेंस लोगों को ट्राई करने का दिल करता है। जिस तरह से बहुत से लोगों को कॉफ़ी का, टी का, स्मोकिंग का और अलग अलग टाइप के नशे होते हैं, शौक होता है, तो वैसा ही एक नशा और शौक है फ्रेग्रेंस, जो चीज़ आपको पीस ऑफ माइंड देता है। अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, दिमाग में सुकून चाहिए, तो आपको ट्राई करना चाहिए कुछ नेचुरल चीज़ है। अब नेचुरल चीज़ें भी है ना, सीज़न टू सीज़न डिफर करती है। अगर आप ऊद लगाओगे गर्मी में, और यहाँ पे आपको ऊद जो मिलने वाला है वो सिंथेटिक ही मिलने वाला है। आप नेचुरल ऊद 20,000 के ऊपर का लगाओगे नहीं, और लगाओगे नहीं अगर सिंथेटिक का, अगर आप गर्मी में लगाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में एकदम, बहुत से लोग, कौन कौन है हमारे साथ लाइव वीडियो में जिसको ऊद लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसा बोलते ना एकदम अजीब सी फीलिंग, कौन कौन है? मैं देखना चाहूँगा आप लोगों में से कौन कौन है जिसको ये फीलिंग आ रही यार क्या जल्दी से हट, कौन कौन है? मैं आपको जानना चाहूँगा, आपके रिप्लाई के बाद मैं आपको बताऊँगा वो क्यों होता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कौन है ऐसा जिसको ऊद लगाने का, जैसे फहीद मलिक भाई बोल रहे मी, विंसेंट भाई बोल रहे मी यस, और कौन है जो ऊद लगाने के बाद उसको एक अजीब सा मतलब बोलते ना नहीं मजा आया ये क्या ऐसा? तो कौन कौन है, कौन है ऐसा जिसको ऊद लगाने के बाद, विंसन भाई बोल रहे मी यस, आप लोगों में से कौन कौन और है जो ऊद लगाने के बाद उसको मजा नहीं आता है? तो वो मैं बताता हूँ क्यों।
क्योंकि आज हम जहाँ से खरीद रहे हैं ऊट जो नेचुरल बोल कर देते हैं, तो वह आपको पता है कहाँ तक नेचुरल होता होगा। नेचुरल ऊध कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आने देगा। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि वो नेचुरल जब रहेगा ना, तो वो आपको लिटरली पीस ऑफ माइंड ही देगा। आपको लगाने के जब टाइम पर जब आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको स्ट्रांग लगे, लेकिन उसका ड्राई डाउन होगा ना, वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेचुरल ऊध की जगह पे बड़ी सी बॉटल ले लेते हैं। एक तोले की बॉटल 2000 रुपये की ले लेंगे, 3000 रुपये की ले लेंगे, 4000 रुपये की लेंगे। अगर आप 14000 रुपये की भी लोगे ना नेचुरल की 12 ml की बॉटल, जिसके बारे में मैं आपको साइज बता दूं, ये 12000 रुपये की, 14000 रुपये की भी लोगे ना, 15000 रुपये की भी, तो भी मैं बोलूँगा मुझे नहीं लगता ये 100% नेचुरल होगा। ये फैक्ट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एकदम कोई भी अच्छे जानकार से पूछना, दुकान वाले से मत पूछना, वो कभी भी अपने चीज़ों की बेइज्जती करने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ आती है, इतनी सी बॉटल अगर आपको 100% लेने जाते हो ऊध की, तो वो आपको मिनिमम से मिनिमम अच्छी चीज़ है ना 20,000 के ऊपर की मिलेगी, जो सिर्फ 10 ml की बॉटल इतनी सी। अब जब नेचुरल है तो उसका जो फ़ायदे है ना, कितने सारे फ़ायदे, जिस तरह से रूखस के फ़ायदे, अगर किसी को डिप्रेशन में है या टेंशन ज़्यादा आता है, तो ये आप एरोमा थेरेपी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसका इंग्लिश नाम वेटिवर भी है, बेनिफिट ऑफ वेटिवर करके सर्च करो, बेनिफिट ऑफ अगरवुड करके सर्च करो, आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे हाँ यार बहुत सारे फ़ायदे, या तो किसी ने बताया नहीं। तो जब आप नेचुरल चीज़ें, जैसे आपको मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, इस्लाम में आपको हर चीज़ का हिसाब देना है। आपने घड़ी पहनी है, एक्स्ट्रा घड़ी के पैसे की घड़ी लोगे ना, इसका भी हिसाब देना है। मेरे पास कपड़े, एक्स्ट्रा में कपड़े ले रहा, उसका भी हिसाब देना है। खुशबू पे हिसाब क्यों नहीं, कभी सोचे आप लोगों ने? किसी को पता है खुशबू पे हिसाब नहीं है? आप कितना भी महंगी से महंगी खुशबू खरीदो, उसका आपको हिसाब नहीं देना। और उसको छोड़कर आप जो भी चीज़ें खरीदते हो, कल दुनिया से जाने के बाद उसका हिसाब देना है। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि सबको पता था जो ऊध जो है, जो भी सारी खुशबू है, वो महंगी ही आने वाली है। इसीलिए खुशबू पे पहले ही बता दिया कि आप कितनी भी महंगी से महंगी खुशबू लोगे, उसके ऊपर हिसाब किताब नहीं होगा। आपका कल के दिन दुनिया से जाने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तुमने फ्रेगरेंस पे क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट की। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको, जब अच्छी चीज़ नेचुरल चीज़ लगानी चाहिए, सुन्नत जो है वो नेचुरल चीज़ें लगाना है, ऐसा नहीं सिंथेटिक। और सिंथेटिक की वजह से ही आपको जो बोलते ना ऊध लगाने का इरिटेट हो रहा है, वो सिर्फ सिंथेटिक की वजह से होता है। अगर आप कभी नेचुरल चीज़ें लगाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप अगर कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ करना चाहते हो 100% नेचुरल, ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को पीस ऑफ माइंड लगे, तो आपको सीज़न के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। समर आ गया है और समर के लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यूज़ करना चाहिए। एक क्वेश्चन जो बचता है, आपको यूज़ करना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे रूखश हो गया, प्योर गुलाब हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपको पीस ऑफ माइंड मिले, एकदम सुकून मिले, तो आप ये चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और आपको मिलता है मज़ा। और ये चीज़ आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएगी, गारंटी रहेगी 100% नेचुरलिटी की। और ये है आपके सामने इसकी बॉटल। तो चलिए, ये कुछ अतर्स आपके सामने जो मुझे बताने थे आज, वो मैं बता चुका हूँ। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जानना चाहते हो, तो जिस तरह से फहद मलिक भाई पूछ रहे हैं बकूर के बारे में, मैं आपके पास इस वीडियो के बाद मैं आपको कॉल करूँगा, कॉन्टेक्ट करूँगा, आपको इस बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन था, आपको कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। और एक क्वेश्चन बच गया, समर में क्या लगाना चाहिए? आप रूखस को इस्तेमाल करो नेचुरल, और किसी ने ऊध नहीं किया है तो आप महंगी ऊध की बॉटल लेने से अच्छा आप छोटी सी 1 ml की प्योर ऊध लो, मज़ा आएगा। ज़्यादा महंगी पूरी बॉटल लेने से अच्छा आपको इजीली 1 g की बॉटल लो नेचुरल, एक बार ट्राई करो, चेक करो कि होता क्या है, कितना, क्यों इतनी महंगी है, क्यों इतना कॉस्टली ऊध होता है। नेचुरल चीज़ों के बारे में जानना मिलेगा, पूरी बॉटल ज़रूरी नहीं है लेना आपको। बड़ी बड़ी बॉटल लेकर सिंथेटिक ऊध लेकर इस्तेमाल करने में मज़ा आने वाला नहीं है। इससे अच्छा 1 g की, 2 g की, 3 g की बॉटल लो नेचुरल ऊध, और फिर बाद में मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में आपको नेचुरल ऊध कितना अच्छा लगता है। तो ये जो रूखस है, ये 1600 रुपीज़ पर तोला है,
अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मैसेज कर सकता है, डीएम कर सकता है, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदा हुआ होगा आज के लिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे के दिन सुबह 11 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, चलिए टेक केयर।